पूर्वांचल में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को किया संबोधित। कहा इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस ने आरोपी विभव कुमार के खिलाफ दर्ज की FIR। अमेठी में अखिलेश यादव राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा मैं अमेठी का था, अमेठी का हूं, अमेठी का रहूंगा। अमित शाह का रायबरेली में चुनावी दौरा। अमित शाह ने गांधी परिवार पर जमकर साधा निशाना। कहा अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए 20 मई को मतदान किया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी शुक्रवार को हमीरपुर और फतेहपुर में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। ये रैली बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों को देखते हुए बेहद अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूँ। सपा कांग्रेस आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद ये सौगात उनको बांटते हैं जो उनके वोट जिहाद करता है। इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए हैं। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता। दिल्ली सीएम के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस ने आरोपी विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। शुक्रवार को स्वाति के मजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए। शुक्रवार सुबह स्वाति को लेकर दिल्ली पुलिस उनके घर CR पार्क से निकली थी। इससे पहले गुरुवार देर रात स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था, इसकी रिपोर्ट भी आज आ जाएगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज विभव कुमार को भी तलब किया है। हालांकि विभव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने विभव के खिलाफ धारा 32, 506, 509 और 354 के तहत FIR दर्ज करी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में अमेठी में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब मैं सिर्फ 12 साल का था तब पहली बार अपने पिता के साथ अमेठी आया था। मैंने अपनी आंखों से अपने पिता और अमेठी के बीच मोहब्बत भरा रिश्ता देखा है। मेरी भी ऐसी ही राजनीति है। मैं अमेठी का था, अमेठी का हूँ और अमेठी का रहूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सिलेंडर वाले लोग अमेठी में सरेंडर कर दिए हैं। पिछले चुनाव में अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। क्या आप लोगों को याद है ये कड़वा झूठ बोलने वाले? क्या आपको 13 किलो चीनी दी है? 12 साल का था, पिताजी के साथ यहाँ आया। उस समय यहाँ पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। क्या अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था।
लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है ये कहते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि आज मैं पूछने आया हूं कि किसने वसीयत में ये सीट आपको दी। ये सीट किसी परिवार की नहीं, रायबरेली अमेठी की गरीब जनता की है। रायबरेली और अमेठी वाले जिसे चाहेंगे उसे संसद में जाएगा। वो कह रहे कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं किसने विल में दी भाई सीट। ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है, परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। साइकिल की चेन उतर चुकी है, 2014 में ही आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन ना हो वो आगे कैसे बढ़ेगी। कांग्रेस की हालत तो खराब है। और बहनों भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है, 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी, और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं। 2022 का चुनाव हुआ उसमें भी, 2019 का चुनाव हुआ फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आपने नहीं चढ़ने। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही नहीं, वो साइकिल आगे कैसे बढ़े। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा का जायजा लेने बड़कोट पहुंचे। उन्होंने यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बड़कोट में बने पंजीकरण जांच केंद्र पर पहुंचकर यात्रियों की समस्याएं सुनी। यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक चरमराने के बाद सरकार पर सवाल उठे थे। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इससे एक दिन पहले चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे थे। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।